उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सेवा भारती के तत्वाधान में व राष्ट्रीय सेवक संघ के निर्देशन में एक सैनिक स्कूल का निर्माण किया गया, जो कि CBSE पैटर्न पर संचालित होगा। इस स्कूल में बच्चों की ट्रेनिंग अप्रैल माह से शुरू की जाएगी। इस स्कूल के पहले सत्र में कक्षा 6 में करीब 160 छात्रों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा, जिनकी शिक्षा 4 खंडों में की जाएगी। RSS द्वारा बुलंदशहर के शिकारपुर में रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर के नाम से एक स्कूल का निर्माण किया गया, जहां अप्रैल माह से छात्रों को शिक्षा के साथ साथ सैनिक बनने के भी गुण दिए जाएंगे। इन छात्रों को कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा स्कूल में सभी फौजी यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा। स्कूल पूर्णतः आवासीय होगा। स्कूल इसी सत्र में शुरू होने की संभावना है, जिसको लेकर संघ से जुड़े सभी संगठन सहयोग में लगे हैं। स्कूल का नाम संघ के पूर्व सर संघ संचालक रज्जू भैया के नाम पर रखा गया है, जो कि इस गांव से कुछ दूर स्थित बनेल गांव के निवासी थे। मैं संघ से ही जुड़ा हुआ हूं और संघ के द्वारा ही यहां पर मेरे को नियुक्ति मिली है। और ये जो है स्कूल हमारा अप्रैल से चालू कर रहे हैं, अप्रैल से हम एडमिशन ले रहे हैं बच्चों के, और पहला सत्र जो है कक्षा 6 से चालू होगा। तो यही बच्चे जो है 4 सेक्शन में रहेंगे, 160 बच्चे टोटल हो जाते हैं जा करके, और इन्हीं को ही हम आगे बढ़ाते हुए कक्षा 12 तक ले जाएंगे। पहले चूँकि पूर्णतः आवासीय है तो बच्चा यहीं रहेगा और यहीं पर पढ़ाई के बाद जो टाइम बचेगा उसमें उसको सैनिक पैटर्न के ऊपर जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो आगे चल करके NDA वगैरह के जो टेस्ट हैं क्वालिफाई करें और डिफेंस में चला जाए। और क्या क्या सुविधाएं रहेंगी इनके बच्चों के लिए? बच्चों की तकरीबन क्योंकि सैनिक पैटर्न पे जो जो भी मतलब चीज़ें होती हैं, जो भी ट्रेनिंग होती है, वही उनको सुविधाएं दी जाएगी और वही उनके साथ में जो है ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। ये अप्रैल में इसका सत्र पहला चालू होगा और 160 बालक जो है इसमें दाखिला लिए जाएंगे 6ठी क्लास से। और हमारा इसमें योगदान है, हमने 32 बीघा खेत दिने इसे बनाने के लिए। अच्छा, उद्देश्य केवल एक है, देश सेवा। सबसे बड़ा उद्देश्य केवल देश सेवा है। हम लोगों का ये ध्येय है, ये मानना है कि जो व्यक्ति इस देश की सेना में जाए, जिसको देश सेवा करने की देशभक्ति की भावना जिसके अंदर है, उसको हम बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान कर सकें, ये उद्देश्य है। और राष्ट्रभक्ति की भावना से वो व्यक्ति ओतप्रोत हो। जब हमने इससे जुड़े पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से बात की तो उन्होंने इसकी पुष्टि की, साथ ही बताया कि किस तरीके से इसका विकास और परिदृश्य मस्तिष्क में रख निर्माण किया गया। इन छात्रों को शिक्षा व आर्मी की ट्रेनिंग देने का उद्देश्य केवल देश की सेवा के लिए होगा, जो शिक्षा पूर्ण करने के बाद आर्मी के लिए चयन किया जाएगा। स्कूल के लिए शिकारपुर के गाँव खंडवाया के एक पूर्व सैनिक राजपाल सिंह ने 32 बीघा जमीन को स्कूल के लिए दान में दे दी। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज। Time24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।